जय माता दी। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। और ये कलकत्ता का दूसरा दिन का वीडियो है, शनिवार का दिन का। तो हम सब जा रहे हैं घूमने के लिए कलकत्ता। तो कलकत्ता ज़्यादा हम लोग एक दिन में बस तीन ही जगह घूम पाए थे और ज़्यादा नहीं। फिर हम लोग दूसरे दिन घर वापस आ गए थे। सिर्फ दो दिन के लिए हम कलकत्ता गए थे। तो दो दिन में हम लोग पूरा कलकत्ता नहीं घूम सकते, सिर्फ एक ही दिन घूमने के लिए निकले थे, जो कि बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो हम लोग अभी टोटो में बैठ के जा रहे हैं। यहाँ टोटो बहुत ज़्यादा चलता है। तो अभी हम लोग स्टेशन उतरे, स्टेशन से फिर हम लोकल पकड़े, लोकल से फिर स्टेशन उतर के फिर हम लोग ने टोटो किया। उसके बाद फिर वो टोटो सीधा ले जाएगा आपको दक्षिणेश्वरी काली टेम्पल। और ये देखिए ये गंगा नदी का व्यू, कि बहुत अच्छा लग रहा था व्यू यहाँ का। और मंदिर जाके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा सुकून मिला, बहुत शांति लगा यहाँ पे। काली घाट से भी ज़्यादा अच्छा मुझे दक्षिणेश्वरी काली टेम्पल लगा। अगर आप लोग काली घाट जाएंगे ना, तो आप लोग खुद से प्रसादी लीजिएगा और पूजा कीजिएगा, पंडित लोग के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़िएगा। ये तो वहाँ वो पंडा सब है ना, आपसे बोलेंगे कि VIP गेट में घुसाएंगे और आपसे पैसा बहुत ज़्यादा ले लेगा। तो आप लोग सावधान रहिएगा, आप पंडित लोग के चक्कर में मत पड़िएगा। और दक्षिणेश्वरी काली टेम्पल अंदर अलाउ नहीं है वीडियो बनाने का, मोबाइल ले जाने का। तो मैं वहाँ वहाँ से जो भी वीडियो बनाए आप लोग इंजॉय कीजिएगा। इधर आओ जो साइड में। जा तुम बैठ लेना उधर, देखा है मछली सब है बहुत सारा। तो पहले ही देख तो बोले ना बताई सारी का मछली कछुआ भी। और ये है दक्षिणेश्वरी काली टेम्पल। तो मैं इधर से ही वीडियो बना ली। और ये आगे में तालाब है और इसके पीछे में मंदिर के पीछे फिर आपको नदी मिलेगा, गंगा नदी। तो सब यहाँ पे आ रहे थे, नहा रहे थे, नहा के फिर जा रहे थे पूजा करने। तो हम लोग ने सुबह नहा करके ही घर से निकला था। तो बस जाके गंगा नदी जी का दर्शन कर लिए, गंगा नदी माँ का। और अंदर वीडियो मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो हम लोग फिर फ़ोन जमा करवा दिए थे। और यहाँ पे बहुत मछली था और एक छोटा सा ग्लेरी था जो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत क्यूट लग रहा था देख के।
आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हम लोग पूजा करके बाहर निकल गए हैं, तो अभी जा रहे हैं गंगा माँ का दर्शन करने के लिए। और अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ था, लंबा, बहुत ज़्यादा लंबा लाइन था, 3-4-5-6 लाइन लगा हुआ था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा लाइन में जाना है। तो हम लोग को साइड दर्शन हुआ था माँ का, तो मुझे उतना पता नहीं था कि आगे आगे फेस टू फेस दर्शन कौन सा लाइन में होगा, तो बस जाके लाइन लग गए थे। और यहाँ जो काली माँ का जो प्रतिमा है ना, दक्षिण की तरफ मुंह है, इसलिए दक्षिणेश्वरी काली टेम्पल इनको बोलते हैं। और मेरा मौसी का जो लड़का है, मेरा भाई, वही हम लोग को घुमा रहा था पूरा, तो बेचारा वो भी बहुत ज़्यादा थक गया था। हम लोग घूम घूम के बहुत ज़्यादा थक गए थे, और गर्मी से तो हालत भी बहुत ज़्यादा हम लोग का ख़राब हो गया था। और ये देखिए, यह गंगा नदी है, तो यहाँ से सब नहा करके जा रहे थे पूजा करने के लिए। और ये मार्केट ना ऊपर साइड में लगा हुआ था। आप लोग मंदिर पहुंचेंगे ना, तो आपको साइड में दिखेगा इलेक्ट्रिक वाला सीढ़ी है, उसमें आप ऊपर जाइएगा तो आपको पूरा ये मार्केट दिखेगा, जो बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे सामान था। तो मैं तो ज़्यादा ले नहीं पाई, अगर मैं सामान देखने लगूँगी तो फिर कलकत्ता घूम नहीं पाएंगे। तो हम लोगों ने कुछ नहीं लिया, बस घूम लिए, घूम के फिर हम लोग नीचे उतर गए। और फिर हम लोग ने मेट्रो का टिकट लिया, और मैं हम लोग फर्स्ट बार मेट्रो में बैठे थे। बहुत अच्छा लग रहा था मेट्रो में, बैठे तो नहीं थे, खड़े थे, सीट नहीं मिला था क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था यहाँ ना। मतलब हर ट्रेन में देखने से ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा था, चाहे वो मेट्रो हो चाहे लोकल ट्रेन हो। और यहाँ ऊपर में प्रसाद भी बहुत सस्ते मिल रहे थे, बहुत कम रेट में। तो हम लोग यहाँ आ गए हैं मेट्रो स्टेशन, तो यहाँ से हम लोग मेट्रो में बैठेंगे काली घाट के लिए। और यहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान ले लिए बच्चों के लिए, और हम लोग तो नहीं खाएं क्योंकि अभी काली घाट जाएंगे, वहाँ पे माँ का दर्शन करेंगे, उसके बाद ही खाएंगे। तो हम लोग नहीं खाए, सिर्फ बच्चे लोग के लिए ले लिए। और हम लोग अपने लिए पानी बोतल ले लिए थे क्योंकि पानी बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा था, तो पानी में बहुत ज़्यादा पैसा चले गया था। और अब मेट्रो में बैठना भी, हम लोग को ऊपर जाना है तो सीढ़ियों से चढ़ चढ़ के हालत ख़राब हो गया था। और ये है मेट्रो स्टेशन, तो हम लोग मेट्रो का यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, बस मेट्रो आएगा फिर हम लोग बैठ के जाएंगे काली घाट। तो मेट्रो में बैठने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, अच्छा लगा था। तो हम लोग मेट्रो स्टेशन से उतर गए हैं कालीघाट स्टेशन में, तो अब हम ज़मीन से ऊपर जाएंगे, तो ज़मीन के अंदर ट्रेन रुकी है। तो हम लोग कालीघाट पहुंच के काली माँ का दर्शन कर लिए हैं, और आप लोग ज़रूर कालीघाट आइएगा क्योंकि ये शक्तिपीठ में गिनती आता है, तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे आके दर्शन कीजिएगा, और पंडित लोग के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। और ये कालीघाट का बाहर का व्यू है, तो यहाँ मार्केट से हम लोग
कुछ लिए और उसके बाद हम लोग निकल गए घूमने के लिए। तो यहाँ सामने सामने में सब कुछ है घूमने का। तो ये है तारामंडल। तो अभी 3 बज रहे थे तो यहाँ मैं 3 बजे 2 बजे का शो हम लोग को मिस हो गया। वो हिंदी शो था और 3 बजे बंगला शो था, फिर 4 बजे हिंदी शो था। तो हम लोग शो मिस कर दिए 2 बजे वाला। तो फिर हम लोग यहाँ से रिटर्न चल गए। हम लोग फिर गए विक्टोरिया महल घूमने के लिए। तो क्योंकि बंगला वाला शो देख के हम लोग को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं था, समझ में नहीं आता उतना, तो हम लोग फिर कैंसिल कर दिए ये शो देखना। फिर हम लोग विक्टोरिया महल गए, वहाँ पे घूमे, वहाँ पे एंजॉय किए। तो उसका जो व्यू है ना, ब्लॉग है, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और हम लोग पैदल ही चल रहे थे क्योंकि यहाँ सामने सामने सब कुछ था, तो पैदल ही घूम रहे थे। और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई थी, वो बहुत ज़्यादा, और हम लोग भी साथ में थक गए थे। और ये देखिए मेरी मम्मी का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, कितना स्लो चल रही है। और हम लोग का भी हालत ख़राब हो गया है, आप लोग फेस देख सकते हैं। जितना घूम के हालत नहीं ख़राब हुआ ना, उतना गर्मी से हालत ख़राब हो गया था। तो बहुत ज़्यादा गर्मी था। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड, और फुल सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ फुल वॉच कीजिए। तब तक के लिए बाय, आई लव यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।